नमस्कार दोस्तों, भारत वाइब्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट प्रसाद। नया व्यूअर्स हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। सुशांत सिंह राजपूत और कंगना के मामले के बाद अब सबकी नजर यूपी के हाथरस पे आ गई है। जी हाँ, आज हम हाथरस के रेप केस के बारे में कुछ अहम मामले पे बात करेंगे। क्या हुआ था उस दिन? खबरों के अनुसार 19 ईयर्स की दलित लड़की को 4 अपर कास्ट के लोगों ने गैंग रेप किया हुआ था। क्या सच में ऐसा हुआ था? एक तरफ तो एसआईटी की टीम इसकी जांच तो कर ही रही है और वहीं दूसरी जगह योगी जी ने भी इसी केस को सीबीआई इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी है। हाथरस में क्या हुआ था उस दिन? अगर रेप ही हुआ है तो उसमें जाति को क्यों ला रहे हैं भाई? क्या भारत में अब जुर्म की सजा जाति और धर्म को देख के मिलेगा? क्या ये दंगा गैंग अब हिंदुओं को धर्म के नाम पे बांटना चाहता है? और ये मीडिया हाउसेस है ना, इनको टेररिज्म का आज तक जात का पता नहीं चला है। और जब हिंदू एक्यूज जब मिल जाता है ना, उसका धर्म चोरी है, उसका जात, उसका गोत्र सब कुछ पता चल जाता है इनको। गजब का दुगलापन है यार इन लोगों का। मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर रेप हुआ है ना तो गुनगुनेहारों को उधर ही लटका दो, पर ये जात के नाम पे दंगा फैलाना छोड़ दो कमी। जेएनएम से इसके रिपोर्ट के अनुसार है ना, विक्टिम के साथ रेप नहीं हुआ है, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है उसमें तो ऐसा कुछ साइन नहीं मिला है। क्योंकि जब रेप होता है तो बॉडी विक्टिम के बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पे है ना, वो थोड़ा निशान लग जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ, पर इतना तो मालूम पड़ा है कि विक्टिम के नेक और बैक पे चोट के निशान थे, और ये रिपोर्ट है ना डॉक्टर सईदा सईद और फैज अहमद ने दिया था। यार हद तो तब हो गई यार जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आके इसको पॉलिटिकल एंगल देने लग गए और योगी जी की सरकार को बदनाम करने लग गए। और इनमें से वही लोग हैं जो सुशांत और कंगना के मामले में बिल्कुल चुप थे, पर यहाँ पर अपना रोटी सेकने आ गए। इन लोगों ने यूपी में दंगा करने की साजिश रच के इसको कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की थी और सारी हदें पार भी कर दी थी। और इसमें तो राहुल गांधी को ही देख लीजिए। निकले थे पदयात्रा करने के लिए और कैमरामैन को बुलाते हैं और जबरदस्ती खड्डे में गिर जाते हैं। राहुल जी ने तो इसको कॉन्ट्रोवर्सी में बदलने के लिए पूरी कोशिश की थी। क्या जनता को बेवकूफ समझते हो? कम से कम फिजिक्स का लॉ ऑफ ग्रेविटी का तो ख्याल रखा होता गिरते वक्त। क्या अब आईएनसी का नया थियोरी भी बनाने लग गई है? बीजेपी को अपोज करते करते ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं ना, अब देश में दंगा करने के लिए भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या ऐसे लोग देश चलाने के लिए योग्य है? अब फुल एंड फाइनल फैसला पब्लिक को ही करना है। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि फॉरेंसिक टेस्ट करवाने के लिए डिले किया गया है। इसका कारण यूपी का पुलिस या योगी का सरकार नहीं है, बल्कि विक्टिम की फैमिली ही खुद है। रेप होने के 72 आवर्स तक स्पर्म्स का प्रेजेंस विक्टिम के बॉडी पे प्रेजेंस रहता है, पर इन्होंने 8 दिनों तक इस मैटर को छुपा के रखा था। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? और हमें यह भी पता चला है कि विक्टिम की फैमिली ने अपने बयानों में लगातार बदलाव किया है। ऐसा क्यों? क्या विक्टिम की फैमिली जस्टिस नहीं चाहती है? और हमको ये भी पता चला है विक्टिम की फैमिली नार्को टेस्ट और सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं चाहती है। ऐसा क्यों? अगर विक्टिम की फैमिली लड़की की इज्जत बताना चाहती थी तो अब इस नेशनल न्यूज़ कैसे होने दिया? और अगर विक्टिम की फैमिली चाहती तो बिना शोर के भी जस्टिस ले लेती ना। पर जिस तरह से ये मामला हैंडल किया गया है और आगे बढ़ा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी के इन्वेस्टिगेशन से ऐसा बहुत सारी सच्चाई सामने आया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यानी रिपब्लिक टीवी के चैनल के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ा है कि विक्टिम फैमिली को 50 लाख से 1 करोड़ रुपीस ऑफर किया गया था ताकि ये यूपी के सरकार के खिलाफ बोले और यूपी के सरकार को बदनाम करे। एक स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस लीडर शिवराज जीवन ने ये बोला है कि इस दंगे को कोई नहीं रोक सकता और जब दोनों तरफ से लोग मरेंगे तब राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे। अरे शौर्य जी, लोग हैं कि खिलौना है? तुम होते कौन है मरवाने वाले? क्या कांग्रेस हमेशा ऐसे दंगा करवा के अपनी राजनीति चलाती रहेगी? शायद ये लोग भूल गए कि योगी की सरकार है,
जब योगी जी ने सीबीआई की जांच ऑर्डर किया तो विक्टिम की फैमिली ने हलचल महसूस किया और इन्वेस्टिगेशन से डर भी रही है और कह रही है कि मामला लोकल पुलिस ने मां निपटा है। अरे ये तो गजब हो गया, पहले पुलिस पे आरोप भी लगाओ, फिर उन्हीं से जांच भी कराओ और फिर बोलेंगे कि न्याय नहीं हुआ। कुछ ऐसा एविडेंसेस भी मिले हैं जहाँ पे पता चला है कि सीए को अपोज करने वाले गैंग भी यूपी में दंगा कराने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। कुछ और एजेंसीज पे भी शक है कि वहाँ पे दंगा कराना चाहती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 100 रुपये भी फंड किया गया था ताकि यूपी में दंगा कराया जाए। अरे बंटी और बबली, ये पैसा तो दंगा कराने के लिए नहीं, जनता के भलाई के लिए यूज़ करो। एक बात तो तय है, चाहे कितना भी जोर लगा ले अपोजिशन वाले, कितना भी नीचे गिरने की कोशिश करें, पर मोदी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इन गद्दारों की बातों में हम लोग ना आए, वरना ऐसे ही ये लोग दंगा करवाते रहेंगे और हम लोगों को आपस में भिड़वाते रहेंगे और हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे और ये लोग अपना रोटी सेकते रहेंगे इधर। बस अपना सोच सही रखे, सच और झूठ में अंतर करना सीखे। हाथरस के मामले में वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं जो आर्मी पे भरोसा नहीं करते, आर्मी का मनोबल गिराना चाहते हैं, देश का टुकड़े करना चाहते हैं। सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। सुशांत कंगला के मामले में तो ये तो चुप थे। अगर सच में कुछ गलत हुआ है तो हमें भी न्याय चाहिए। हम तो हमेशा सच के साथ देने वालों में से है। जय हिंद, वंदे मातरम।